नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज हम एक ऐसी परेशानी के बारे में बात करेंगे जिससे सब लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं और हजारों लोगों को यह परेशानी झेलनी पड़ती है। दोस्तों मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ कि भयंकर गर्मी में जब हम छत की ढलाई करते हैं तो उसमें क्रैक क्यों पड़ जाते हैं और ऐसा क्या करें कि उन क्रैक्स को 100% रोका जा सके। आज इस वीडियो में मैं आपको इसका पुख्ता इलाज बताऊंगा ताकि आप बहुत बड़े नुकसान से बच सके। दोस्तों सबसे पहले हम यह बात करते हैं कि छत की ढलाई के लिए IS कोड के अनुसार अनुकूल तापमान क्या है। तो मित्रों एस पर S1379 इसके अनुसार जब आप लोग छत की ढलाई करवाते हो तो टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस से लेकर 35 डिग्री सेल्सियस तक होना चाहिए। मतलब दोस्तों ना तो कड़ाके की सर्दी होनी चाहिए और ना ही बहुत ज्यादा गर्मी होनी चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा सर्दी और बहुत ज्यादा गर्मी दोनों ही आपके कॉन्क्रीट के लिए खतरनाक है। दोस्तों ज्यादा गर्मी में यह होता है कि आपकी शटरिंग से लेकर सरिये तक सब इतने ज्यादा गर्म होते हैं कि आप नंगे पैर उन पर खड़े भी नहीं हो सकते हैं। यहाँ तक कि यदि आप कड़ी धूप में स्टील बार को छूकर देखेंगे तो हो सकता है कि आपका हाथ जल जाए, क्योंकि दोस्तों जो हमारे सरिये होते हैं वह अपने अंदर जो हीट होती है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, इस कारण वह बहुत लंबे समय तक गर्म रहते हैं। ऐसे में दोस्तों जब आप लोग इतनी गर्मी में ढलाई करते हो तो कंक्रीट बहुत जल्दी ही सूखने लगता है। मतलब कई बार तो गर्मी के कारण ऐसा होता है कि आप जैसे ही कास्टिंग करके थोड़ा आगे बढ़ते हो वैसे ही पीछे का कंक्रीट सूखता रहता है, जो कि आपके सीमेंट की हाइड्रेशन प्रोसेस को डिस्टर्ब कर देता है। ऐसे में आपका कंक्रीट ठीक से हाइड्रेट नहीं रह पाता है और जब आप अगले दिन आकर अपनी स्लैब को चेक करते हो तो उसमें छोटे छोटे से क्रैक्स आपको देखने को मिल जाते हैं। तो दोस्तों अब सवाल यह आता है कि इन क्रैक को रोका कैसे जाए। तो मित्रों सबसे पहला उपाय यह है कि आप घर का निर्माण ऐसे मौसम में ना करवाएं जब गर्मी अपने तेज पर होती है। मेरा कहने का मतलब है कि हमेशा आप कम से कम मई जून के महीने में कंक्रीट की ढलाई को अवॉइड करें। लेकिन दोस्तों अब सवाल यह आता है कि सर अब तो हमने ऑलरेडी काम शुरू कर दिया है तो हम 2-3 महीने के लिए काम कैसे बंद कर सकते हैं, हमें तो 45 डिग्री के तापमान में ही ढलाई करवानी पड़ेगी, यही हमारी मजबूरी है। ऐसे में हम यह भी चाहते हैं कि एक भी क्रैक ना आए, तो फिर सर हम ऐसी सिचुएशन में क्या करें। तो दोस्तों यदि आपको भयंकर गर्मी में ही ढलाई करवाना जरूरी है तो कुछ उपाय करके आप अपनी छत में आने वाले क्रैक्स को 100% रोक सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले इस उपाय में दो कंडीशन आती है कि आप कैसे ढलाई करवा रहे हैं। मेरा कहने का मतलब है कि आप RMC के थ्रू ढलाई करवा रहे हैं या साइट मिक्स कॉन्क्रीट के थ्रू ढलाई करवा रहे हैं। दोस्तों यदि आप RMC से ढलाई करवा रहे हैं तो आपको शाम को 7 से 7:30 बजे बाद ढलाई शुरू करवानी है, क्योंकि जब तक टेम्परेचर 35 डिग्री के आसपास आ जाता है। दोस्तों मैं यहाँ पर आपको 7:30 बजे बाद ढलाई करवाने के लिए इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि RMC से ढलाई में ज्यादा समय नहीं लगता है और आप चाहे तो आराम से रात में भी RMC की सहायता से ढलाई करवा सकते हैं। हालांकि मैंने खुद आपको पिछली वीडियो में रात के समय ढलाई को अवॉइड करने के लिए कहा था, लेकिन दोस्तों यहाँ सिचुएशन बहुत अलग है। यहाँ आपको किसी ऐसे एक्सपर्ट आदमी की निगरानी में रात को ढलाई करवानी पड़ेगी जिसे रात में ढलाई करवाने का पूरा अनुभव है। अब दोस्तों आते हैं दूसरी कंडीशन पर कि आप RMC नहीं बल्कि साइट मिक्स कॉन्क्रीट के थ्रू ढलाई करवाना चाहते हैं, तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए। तो दोस्तों उस केस में आपको 2-3 काम करने होंगे। पहला तो हमारी ढलाई शाम को 5 बजे बाद शुरू होगी, मतलब जैसे ही आपकी धूप थोड़ी सी नरम पड़े आप ढलाई का काम शुरू कर सकते हैं। दूसरा आपको गर्मी के मौसम में ढलाई करवाने के लिए बर्फ मतलब आइस का इंतजाम करना पड़ेगा। जैसे दोस्तों आपने शादी पार्टी में बर्फ की बड़ी बड़ी सिल्लियां देखी होगी, वैसे ही आपको करना यह है कि आप पानी के 2-3 बड़े बड़े ड्रम ले लीजिए और उसमें पानी के साथ साथ ठीक ठाक मात्रा में बर्फ डाल दीजिए। फिर जब पानी कुछ इस कदर ठंडा हो जाए जैसे रेफ्रिजरेटर या वाटर कूलर में से आता है, तब उस पानी का इस्तेमाल आप कॉन्क्रीट मिक्स में करवाइए, या आप चाहे तो बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े साथ में मिक्सर में भी डलवा सकते हैं। लेकिन दोस्तों वह टुकड़े छोटे आकार के होने चाहिए। उसके अलावा जो ठंडा पानी है उससे फवारा मारकर आप अपनी रेत को गीला कर दीजिए और एक बार कंक्रीटिंग शुरू होने से पहले ठंडे पानी का छिड़काव आप अपनी शटरिंग पर कर दीजिए। उससे होगा क्या फ्रेंड्स, एक तो आपकी शटरिंग का टेम्परेचर थोड़ा नॉर्मल होगा और दूसरा जो छोटी मोटी गंदगी होगी वह भी हट जाएगी। ध्यान दीजिएगा दोस्तों आपको अपनी शटरिंग को पूरा पानी से लबालब नहीं भरना है, आपको बस छिड़काव करना है और फिर आप थोड़ी देर बाद कंक्रीटिंग शुरू करवा सकते हैं। दोस्तों जैसे जैसे कंक्रीटिंग होते रहे वैसे वैसे जहां कंक्रीटिंग हो चुकी है वहां भी आप ठंडे पानी का छिड़काव करते रहे हैं। मतलब दोस्तों मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि आप कंक्रीट को फिर से गीला करें, बस आपको थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर से छिड़काव करना है।
करना है, ना कि आपको जो डाली गई स्लैब है उसे लबालब पानी से भर देना है। ओके फ्रेंड्स, मतलब जरा जरा सा छिड़काव होना चाहिए ताकि जो ऊपर की परत है जो कि जल्दी सूख जाया करती है वह सूखे नहीं। मतलब हमारा मोटिव यह है कि सीमेंट रिक्वायर्ड समय के लिए हाइड्रेटेड रहे। हालांकि दोस्तों इस उपाय में आपका बर्फ मतलब आइस का खर्चा जरूर आएगा, लेकिन कुछ हजारों रुपए की बर्फ के चक्कर में लाखों रुपए का नुकसान होने से बच जाएगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि यदि आप मेरी इस बात को फॉलो करेंगे तो 100% आपकी स्लैब में क्रैक आ ही नहीं सकता, चाहे आप मई जून की भयंकर गर्मी के मौसम में ही कास्टिंग क्यों ना करवा रहे हो। दोस्तों आप कुछ चीजें नोट कर लीजिए। पहली तो आपकी स्लैब कास्टिंग में बर्फ की कई सिल्लियां पूरी की पूरी लग जाएगी, इसलिए आप अपने छत की साइज के अनुसार इतनी सिल्लियां मंगवाए जो कि ढलाई में उपयोग होने वाले सारे के सारे पानी को ठंडा कर दे। दूसरी बात, जो आपकी बर्फ होगी उसको यदि आप जूट के बोरे से अच्छी तरह ढककर स्टोर करेंगे तो वह जल्दी नहीं पिघलेगी। तीसरा, आप बर्फ को तोड़कर पानी में मिक्स कीजिएगा ताकि वह जल्दी पानी में पिघले, वरना कहीं ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप पूरी सिल्ली ड्रम में डाल दें, क्योंकि दोस्तों जो आपके बड़े बर्फ के टुकड़े होते हैं उन्हें पिघलने में समय लगता है और कास्टिंग के समय हमारे पास इतना समय होता नहीं है। चौथी बात, आप सिर्फ एक ड्रम ना रखकर 2-3 बड़े बड़े ड्रम साइड पर रखें ताकि जब तक एक ड्रम का पानी आप काम ले तब तक दूसरे और तीसरे ड्रम का पानी एकदम चिल्ड हो जाए। दोस्तों आप इस बात को मानकर देखिए और फिर आप मुझे बताना कि आपकी स्लैब में क्रैक आया या नहीं। इस बात का आप विश्वास मानकर चलिए कि यदि आप इस बात को मानेंगे तो आपकी स्लैब में एक भी क्रैक नहीं आ सकता है। अच्छा दोस्तों, एक और चीज का ध्यान रखें कि आप लोग बर्फ वाले से एक दिन पहले ही बात कर ले, कहीं ऐसा नहीं होना चाहिए कि एन वक्त पर बर्फ खत्म हो जाए। आप उसे एक दिन पहले ही यह बता दे कि हमें इतनी बर्फ की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि दोस्तों कई बार इतनी क्वांटिटी में एक साथ बर्फ नहीं मिलती है, इसलिए आप हो सके तो उसे एक दिन पहले ही ऑर्डर दे दे। तो दोस्तों यह था हमारा वीडियो, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना जाए, वीडियो को लाइक करें और साथ में बेल आइकन भी ऑन कर दें ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो दोस्तों मिलेंगे आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।